नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पुष्य नक्षत्र दिवाली के पहले ऐसा मुहूर्त आता है जिस मुहूर्त में खरीदारी और किए गए कोई उपाय आपको अपार धन वैभव की वृद्धि कराते हैं। कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही बुद्धि में संचार होता है। पुष्य नक्षत्र के कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन हत्था जोड़ी का विशेष एक उपाय है। जिस विशेष पेड़ का एक जड़ होता है जो कि उसकी पूजा की जाती है, हत्था जोड़ी आपको कहीं भी दुकान पर मिल जाएगी। यह चांदी की डिबिया में सिंदूर डालकर आप उस हत्था जोड़ी को तिजोरी में रखेंगे। आप एक चांदी की डिबिया ले लें, उसमें आप सिंदूर रखें, उस सिंदूर के अंदर उस हत्था जोड़ी को डाल दें और उसे तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। ध्यान रहे कि इसे नित्य धूप अगरबत्ती दिखाते रहें। आप यह कार्य पुष्य नक्षत्र के दिन ही शुरू कर दें, आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। हत्था जोड़ी एक ऐसा उपाय है जो स्वयं माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से बनाई है और आप इसकी पूजा अवश्य करें। शंख पुष्पी की जड़। शंख पुष्पी का फूल तो सभी ने देखा होगा, नीले और सफ़ेद कलर में आता है। उसकी जड़ लेना है, उसे चांदी के डिब्बे में भरकर उसे घर के धन के स्थान पर तिजोरी में रख देना है। बस इतना कार्य करना है, आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। आपके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। शंख पुष्पी धन को खींचने की एक चाबी है जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बरकत देती रहेंगी। आप इस उपाय को करिए और हमने चैनल के द्वारा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इन उपायों की जानकारी प्राप्त हो। यह कार्य आपको पुष्य नक्षत्र के दिन ही करना है। इन चीज़ों को लेकर आएँ और आप अपने घर में तिजोरी में स्थापित करें। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।